sister and sitting at press. Only two press ads. I was really happy to be here at Whistling Boats to celebrate cinema, the festival that they've been doing since 2012. I've been here once with Rakesh sir, so it feels very nice to be here with our team, Ghoomar team. There's so many nice workshops happening. I would have loved to be a part of some workshop, not this year, hopefully next year. And I was saying this to Meghna ma'am, I have a few ex-students from Whistling Boats, so I'm always jealous of them because I feel I missed out on something. But it's never too late to come and do a workshop and celebrate cinema. I think we're so fortunate to have a place like this in this city, or in this country actually. And my association with Whistling Woods goes back a long way. In fact, I shot Pa here, a lot of it here. And I've been here quite a few times. And I've also been a huge fan of Mr. Subhash Ghai's films. So I just feel that, to me, it reeks of what A lot of cinema is here. When you say, come here, you kind of think cinema, talk cinema, you feel kind of cinema. It's good fun. So I really feel like I'm in a school that I could never get admission into at last. सिनेमा बनाने में अच्छा वर्क कर जी हाँ वैसे आई फील काफी बार ऐसे ही होता है कि आप एक्टर एक्ट्रेसेस की ज़िंदगी देखते हो, आपको लगती है बहुत अच्छी ज़िंदगी है, पैसे बहुत है, ग्लैमर है, पर सच्चाई में वो है नहीं. जब आप स्टार बन जाते हो पैसे काफ़ी मिलते हैं, पर उसके पहले बहुत मुश्किल ज़िंदगी होती है. तो अगर आपको एक्टिंग पसंद है तो आप एक्टिंग करो, पर अगर आपको पैसे, फेम, ग्लैमर पसंद है फिर एक्टिंग मत करो, क्योंकि वो बहुत कभी कभार मिलते हैं, कभी कभार नहीं मिलते हैं. तो आपका वाई इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, आप एक्टिंग क्यों कर रहे हो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. और आई थिंक ये Whistling Woods में सिखाते हैं कि आपके रीजन्स बराबर होने चाहिए. तो मैं तो बस ऐसे ही एक्सपीरियंस से कह रही हूँ पिछले 7-8 सालों से, पर यहाँ पे के टीचर्स भी बहुत सही तरीके से सिखाते हैं वाई यू शुड बी एन एक्टर. Cinema, of course, love it. Otherwise, what is the escape in life? Cinema, sports, that's all, right? So, can't imagine life without it. Whistling Woods, like Balki said, fortunate to have something like this. But more than that, I think college life is so much fun. And if you can have college life around cinema, my God, I'm jealous of you. You don't have to bunk college and go to a film, can you imagine? That's awesome. That is. Main yehi bolungi, see, it's just I heard about Whistling Woods, I never been here, so. But yeah, jise Sammy Khair ne bataya ki ye sach hai, jo hum sochte hain about of actors ki haan kitne paise hain, kitne nahi, bahut hi galat baat hai. Bahut struggle karna padta hai. और जैसे मैं बोलती हूँ, मैं तो मुझे अगर 4 अच्छे काम मिल जाए, मैं मेरे और भी हैं, आई हैव लॉट ऑफ टैलेंट्स जहाँ से मैं पैसे कमा लूँगी, बट मैं फ्री में काम करना चाहूँगी. सी, इट्स अबाउट ऑफ योर लव एंड योर पैशन, हाउ यू फील, यू नो, अबाउट योर ओन ड्रीम एंड डिज़ायर टू बी वेर यू रियली वॉन्ट टू सी योर सेल्फ. तो वही है, दैट्स ऑल. और अब सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं और अलग अलग, कोई प्रिविलेज है तो कोई प्रिविलेज नहीं है, तो सबके अनुसार अपनी ज़िंदगी होती है, उस अनुसार वो अपनी ज़िंदगी को अपने सपने तक ले जाते हैं. सो इट्स आज की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही वेलकमिंग है, बहुत ही वेलकम है, बहुत ही सब लोग अच्छे हैं. और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस तरीके से अगर हर तरह के पैनल में बैठे तो हमारे जितनी जो मोटिव है पहुँचा पाएंगे, दैट वुड बी बेटर. मैम आप क्या कहेंगी?
अब मतलब पहले तो विस्लिंग वुड जाने में ही मुझे बहुत मज़ा आता है और ऐसे लगता है कि आई एम स्टिल हम सब स्टूडेंट्स ही है तो आई फील आई एम हैप्पियर सिटिंग ऑन दिस साइड बट इट फील्स नाइस टू बी सिटिंग एंड सीइंग द एंथुजियाज्म सीइंग व्हाट दे आर डूइंग हियर तो बहुत मज़ा आया. ये एक्चुअली स्पेशल ऑप्स का सेकेंड सीजन है तो आपने जो पहले सीजन में देखा था उसी का कुछ आगे होगा सो इट्स द सेकेंड सीजन ऑफ स्पेशल ऑप्स विद नीरज सर. जी बिल्कुल आई फील राइटर्स डायरेक्टर्स एक्टर्स क्योंकि प्लेटफॉर्म्स काफ़ी सारे हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बढ़ चुके हैं एंड आई एम ग्लैड दैट अपॉर्चुनिटीज बढ़े हैं बिकॉज ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स. लास्ट मैसेज टू योर फैंस एंड ऑडियंस जो आपको पसंद करते हैं और आपको अलग अलग अंदाज में देखना चाहते हैं क्या कहना चाहिए? बस कि प्लीज़ जब फिल्म्स आती है थिएटर्स में फिल्म्स देखो जब ओटीटी पर आते हैं देखिए पसंद आए तो बताइए नहीं पसंद आए वो भी बताइए उससे इम्प्रूवमेंट होगी सो जस्ट कीप फॉलोइंग एंड कीप वॉचिंग माई वर्क. थैंक यू. थैंक यू.